हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आ गए घूमने के लिए बुद्धा स्मृति पार्क, जो कि पटना रेलवे स्टेशन के समीप है। और इस वीडियो में आप लोगों को पार्क घुमाने के साथ साथ इससे जुड़ी हर एक जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने पार्क है और इसके बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। ये सामने जो रोड है डाकबंगला चौराहा की तरफ चला जाता है और इस तरफ रोड पटना रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है। पार्क में देखिए दो गेट हैं, एक एंट्री गेट है और एक इधर एग्जिट गेट है। टिकट आपको एग्जिट गेट के पास ही मिलेगा। तो चलिए टिकट लेते हैं। देखिए इधर जानकारी दिया गया है, टिकट के बारे में पूरा दिया गया है। चलिए टिकट लेते हैं। तो दोस्तों टिकट ले लिए हैं और टिकट लेकर पार्क में एंट्री कर लिए हैं। और देखिए अंदर से पार्क कुछ इस तरह का दिखता है। सामने स्तूप बना हुआ है। सभी चीज एक कर दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर पार्क का नक्शा बना हुआ है, कहाँ पर क्या चीज है सभी चीज दिखाया गया है इस पर। आइए आप लोग को एक खूबसूरत चीज दिखाते हैं पार्क में। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से कटिंग करके बुद्धा पार्क लिखा गया है। देखिए कितना अच्छा से सजाया गया है इसको और बुद्धा पार्क लिखा गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो आप लोग पार्क देख रहे हैं, यहाँ पर कभी ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक बाकीपुर सेंट्रल जेल हुआ करता था, लेकिन 1960 की दशक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा द्वारा इस जेल को बेउर नामक स्थान पर बेउर सेंट्रल जेल के नाम से स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे बाकीपुर सेंट्रल जेल का अस्तित्व खत्म होने लगा और उसके बाद फिर यहाँ पर पार्क का निर्माण कर दिया गया। बाकीपुर सेंट्रल जेल का कुछ अवशेष अभी भी इस पार्क में मौजूद है, जो आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अंदर से 22 एकड़ में फैला यह पार्क किस तरह का दिखता है। सामने देखिए स्तूप बना हुआ है, जिसकी कुल ऊंचाई 200 फीट है और इसके अंदर महात्मा बुद्ध का 6 देशों से लाया गया अवशेष रखा हुआ है। चलिए पास से भी आप लोगों को दिखाते हैं कैसा दिखता है यह स्तूप। और देखिए स्तूप के बाहर कुछ इस तरह का बनाया गया है, चारों तरफ तालाब सा बना दिया गया है जिसमें पानी भरा हुआ है। हो सकता है इसमें शाम को लाइट उठ जलता होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, फिलहाल ऐसे ही पानी भरा हुआ है। और इधर स्तूप है। दोस्तों अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को एक ऐसा चीज जिसे पार्क का मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है, जिसे बौद्ध गुरु दलाई लामा द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। देखिए सामने में एक मूर्ति बना हुआ है जो पूरे काले रंग का है, न जाने किस कारण मूर्ति का रंग काला रखा गया है। देखिए सामने आप लोगों को एक पीपल का पेड़ देखने को मिल रहा होगा, जिसे बौद्ध गुरु दलाई लामा द्वारा यहाँ पर लगाया गया था और इस पेड़ को श्रीलंका से लाया गया था। ये आप लोगों को बोर्ड पर दिखाते हैं, लिखा भी होगा। देखिए इसे श्रीलंका के सराहनपुर से लाया गया था, आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। और एक पेड़ उस तरफ लाया गया है जो कि बोधगया से लाया गया है। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं आप लोगों को वह ऐतिहासिक बांकीपुर सेंट्रल जेल, जिसका अवशेष अभी भी इस पार्क में मौजूद है। और देखिए हमारे पीछे बांकीपुर सेंट्रल जेल का दीवार है। आइए आप लोगों को और अच्छी तरह से दिखाते हैं।
देखिए यह वही बाकीपुर सेंट्रल जेल की दीवार है जिसमें न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था कैद करके, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी इसी बाकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। और अभी देखिए इसके बाहर कुछ पार्क की तरह बना दिया गया है, ये आगे से भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेड़ है, न जाने किस चीज का पेड़, इसमें फल लगा हुआ है। देखिए जेल की दीवारें कितनी मोटी है, और यहाँ पर किस तरह का ढांचा इसका बनाया गया था उस समय। तो दोस्तों पार्क में बस यही थोड़ा बहुत कुछ था दिखाने के लिए, क्योंकि पार्क में अधिकतर जगह तो कैमरा अलाउ ही नहीं है, जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए और आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए। तो आई होप आप लोगों को घूमकर अच्छा लगा होगा पार्क। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।